दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप घोस्ट राइडर को करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखना चाहते हैं कि एक अल्टरनेट रियलिटी में, तो बहुत सारे लोग का आंसर होगा कि वो लोग अभी इस यूनिवर्स में घोस्ट राइडर को देखना चाहते हैं ताकि उसे एवेंजर्स के साथ देख सके। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस यूनिवर्स में आने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात होगी घोस्ट राइडर से एक अल्टरनेट रियलिटी में, जहां पे सिर्फ घोस्ट राइडर नहीं बल्कि और कई सुपरहीरो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज घोस्ट राइडर से मिलेंगे और फिर घोस्ट राइडर कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट कीजिए डॉक्टर स्ट्रेंज 2। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। दोस्तों, घोस्ट राइडर एक पहला सुपरहीरो नहीं जिसकी मुलाकात हो रही है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ एक अल्टरनेट रियलिटी में, बल्कि इससे पहले हम लोग कई सुपर हीरो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इल्यूमिनाटी, फिर फैंटास्टिक फोर, फिर ऑल्टरनेट वर्जन का आयरन मैन, ऑल्टरनेट वर्जन के कैप्टन अमेरिका, यहां तक कि खुद ऑल्टरनेट वर्जन का थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज भी। इन सब के अलावा यहाँ पे हम लोग फीमेल सुपर हीरोज की भी बात करते हैं कि कैसे एक मेल वर्जन का कैरेक्टर किसी फीमेल वर्जन के सुपर हीरो के साथ दिखाई दे सकता है। लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इन सब की शुरुआत होगी कैसे। तो यहाँ पे एक बुक आई जिसका नाम है डार्क होल्ड, जो कि रिलेटेड होगी वांडा विजन टीवी सीरीज से भी और डॉक्टर स्ट्रेंज से भी। इस बुक के जरिए बहुत सारे लोग मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं। इस बुक का नाम होता है डार्क होल्ड इसलिए क्योंकि ये सिन से रिलेटेड होती है और डार्क स्पेल से रिलेटेड होती है। और यहाँ पे कॉमिक बुक में भी, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े होते हैं। अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात किया जाए तो रेड स्कल भी इसके पीछे पड़ा था, यहाँ तक कि निक फ्यूरी भी इसके पीछे पड़े थे। अब रेड स्कल तो पहले से जादू वादू को मानता था और वो खुद स्पेस स्टोन खोजने गया था, साथ ही साथ ये बुक भी खोजने गया था ताकि वो अमर हो पाए, लेकिन उसको ये बुक मिली नहीं थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें निक फ्यूरी की, तो उनका क्या मोटिव था इस बुक के पीछे ये तो नहीं पता चला। लेकिन फिलहाल जिसके पास भी बुक आएगी वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अभी तक ये बुक डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ में नहीं लगी है। वैसे हम लोग देखे थे डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 में एक बुक डॉक्टर स्ट्रेंज के पास लगी थी, जिससे वो आई ऑफ ओगोमोटो यानी कि टाइम स्टोन की आंख खोले थे और डोरेमोमो के आने की रस्म पूरी किए थे, यानी कि डोरेमोमो को कैसे अर्थ पे लाया जाए। बाद में ऐसी बुक को काइसेलियस ने पढ़ के डोरेमोमो को लाया था, लेकिन ये बुक उस बुक से डिफरेंट है। ये बुक और ज्यादा पावरफुल हो सकती है जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर यह बुक वांडा विजन टीवी सीरीज से भी कनेक्टेड है, तो यानी कि वांडा इसको यूज करेगी विजन को रियलिटी में लाने के लिए और अलग अलग रियलिटी को बैंड करने के लिए या फिर खुद रियलिटी को कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि धीमे धीमे वांडा की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो बिना किसी सुपर नेचुरल बुक के, बिना किसी मैजिकल स्पेल के वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। और दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि वांडा को इतना पावरफुल किसने बनाया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक और विच जो कि एक्चुअल जादू जानती है वो वांडा को ट्रेन करेगी इस बुक की मदद से। अब इसके बाद ये बुक उसके पास कहाँ से आती है, तो ये बुक आती है एक्चुअली रूलर ऑफ हेल जिसका नाम है मेफेस्टो। जी हाँ दोस्तों, मेफेस्टो जो हेल को रूल करता है वही ये बुक उसको देगा ताकि वो वांडा को ट्रेन कर सके और एक ऐसी रियलिटी खोल सके जिससे मेफेस्टो हमारी रियलिटी में आ सके और उसके बाद हमारी रियलिटी को कंट्रोल कर सके। वैसे ये मेफेस्टो नाइटमेयर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि नाइटमेयर तो हमारे ड्रीम पे काबू करता था, लेकिन मेफेस्टो तो पूरी की पूरी रियलिटी को जब कंट्रोल कर लेगा तो उसके सामने टिकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर से अगर मेफेस्टो वांडा को अपनी तरफ ले आएगा, उसको भी कंट्रोल करके अपने इवल मोटिव के लिए ट्रेन कर देगा, तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा वांडा को कंट्रोल में लाने का, क्योंकि एक तो वांडा वैसे पावरफुल है, ऊपर से वो बुक पढ़ के और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी क्योंकि उसके पास भी स्पेल्स जैसी पावर होगी, यानी कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है। अब दोस्तों, असली कनेक्शन आता है इससे घोस्ट राइडर का। आप लोग देखेंगे कॉमिक बुक में भी और मूवीज में भी कि घोस्ट राइडर को सेटन से डील करनी पड़ी थी, बाद में उसको ऐसी पावर्स मिली थी, लेकिन सेटन बाद में पता चला कि वो मेफेस्टो ही था जो घोस्ट राइडर को एक कॉन्ट्रैक्ट देके उसे पावर्स देके उसकी आत्मा को अपने अंडर कंट्रोल करना चाहता था। तो अगर ये बुक एक्चुअली आ रही है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और इसका कनेक्शन डायरेक्ट मेफेस्टो से है, यानी कि मेफेस्टो ने ये बुक दी है अर्थ के लोगों को ताकि वो लोग पावर्स को सीख सके, तो यानी कि मेफेस्टो ऑलरेडी घोस्ट राइडर बना चुका होगा करंट अर्थ में भी और किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में भी। मान लीजिए करंट अर्थ पे अभी तक जॉनी ब्लेज ने मेफेस्टो के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होगा, लेकिन अगर बात करें हम लोग किसी मल्टीवर्स की, तो सकता है वहाँ पे घोस्ट राइडर पहले से एग्जिस्ट करता हो जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जाके मिल जाए। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे अगर घोस्ट राइडर को मेफेस्टो ने बनाया है तो घोस्ट राइडर डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करके मेफेस्टो के अगेंस्ट को जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने घोस्ट राइडर पार्ट 2 मूवी देखी होगी तो उसमें भी एंड में यही होता था कि जॉनी ब्लेज मेफेस्टो के अगेंस्ट चल जाता था। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करनी हो वो भी मेफेस्टो के अगेंस्ट, तो घोस्ट राइडर उसकी हेल्प क्यों नहीं करेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सारे कैरेक्टर्स का आना बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में सेम सुपर हीरोज रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, अगर वही सेम सुपर हीरोज हमें मल्टीवर्स में दिखाई देंगे तो मल्टीवर्स का मतलब क्या होगा। इसलिए हर एक अल्टरनेट सुपर हीरो को दिखाना बेहद जरूरी हो गया है। और यहाँ पे केविन फेगी ने भी ऑलरेडी कहा था कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में एक से एक ऐसे सुपर हीरोज मिलेंगे
जिनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इसलिए यहाँ पे केन फेगी इनडायरेक्ट वे में ये भी कह रहे हैं कि हमें अलग अलग सुपर हीरोज को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि केन फेगी भी इंटरनली कास्टिंग चालू कर दी है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे डॉक्टर डूम आएंगे, क्योंकि डॉक्टर डूम का भी कनेक्शन मेफिस्टो से था। तो यहाँ पे अभी डॉक्टर डूम के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर मल्टीवर्स में फैंटास्टिक फोर है या फिर करंट टाइम पे फैंटास्टिक फोर आ गए हैं तो जाहिर सी बात है डॉक्टर डूम को तो आना ही पड़ेगा। और घोस्ट अड्डे से रिलेटेड एक और खबर आ रही है ये कि वर्ल्ड वॉर हल्क की जब सीरीज आ रही थी तो डॉक्टर स्ट्रेंज का ये कहना था कि घोस्ट अड्डे हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है, ऊपर से वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को भी घोस्ट अड्डे हराने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे अगर घोस्ट अड्डे इतना कुछ कर सकता है, आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वैसे भी थानोस से ज्यादा बड़े विलन आने वाले हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि ये बाकी सुपर हीरोज का साथ दे सके। वैसे भी दोस्तों घोस्ट अड्डे को कौन नहीं देखना चाहता, और इसका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर कियानो रीव्स घोस्ट अड्डे का रोल प्ले करे। जी हाँ दोस्तों, कियानो रीव्स को कई सारे रोल्स ऑफर मिले थे केविन फेगी के थ्रू। केविन फेगी ने कई बार कियानो रीव्स से मुलाकात भी की थी कि कौन सा रोल प्ले करना चाहते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, लेकिन कियानो रीव्स किसी रोल के लिए अग्री नहीं हुए। तो फाइनली अगर कियानो रीव्स को घोस्ट अड्डे पसंद आ जाते हैं तो अगर वो घोस्ट अड्डे का रोल प्ले करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए तो फैंस के लिए एक अच्छी खासी ट्रीट हो जाएगी। ऊपर से अगर घोस्ट अड्डे को इस मूवी में इनडायरेक्ट वे में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, बाद में जाके घोस्ट अड्डे की सोलो मूवी आए, तो इसकी मूवी की हाइप और ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसे कि होता है ब्लैक पैंथर के साथ। यहाँ पे हम लोग अगले कैरेक्टर की बात करें जो कि इस मूवी में इंट्रोड्यूस होगा, वो है कैप्टन ब्रिटेन। वैसे कैप्टन ब्रिटेन का इंट्रोडक्शन हम लोग को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखने को मिलने वाला था, क्योंकि इसमें भी मल्टीवर्स का नाम यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मल्टीवर्स मिस्टीरियो की बस एक इमेजिनेशन बनकर रह गया था। लेकिन फाइनली अब हम लोग को मल्टीवर्स रियल में देखने को मिलेगा इस मूवी में। और यहाँ पे मैं कैप्टन ब्रिटेन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक यूनिवर्स के कैप्टन ब्रिटेन अलग अलग यूनिवर्स के कैप्टन ब्रिटेन से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ग्रीन लैंटर्न की, जैसे कि एक ग्रीन लैंटर्न बाकी ग्रीन लैंटर्न से कनेक्टेड होता है जो कि बाकी अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह एक यूनिवर्स का कैप्टन ब्रिटेन अपनी यूनिवर्स की अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं और बाकी लोग से कनेक्शन भी बनाए रखते हैं। इसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये कैप्टन ब्रिटेन हम लोग को अल्टरनेट रियलिटी के भी दिखाई दे सकते हैं, अपने करंट वर्ल्ड के भी दिखाई दे सकते हैं। वैसे कैप्टन ब्रिटेन का रेफरेंस हमें एवेंजर्स एंड गेम में भी देखने को मिला था। यहाँ पे जब टोनी स्टार्क स्टीव रॉजर्स पिछले टाइम में गए थे तो स्टीव रॉजर्स पेगी कार्टर के ऑफिस में छुप गए थे। यहाँ पे पेगी कार्टर किसी से बात कर रही थी तो वहाँ पे उसने बात करते करते ब्रायन बर्डॉक का नाम लिया था, लेकिन यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिया था, बस बर्डॉक का नाम था। अब यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि ब्रायन बर्डॉक कौन है, तो दोस्तों ब्रायन बर्डॉक ही कैप्टन ब्रिटेन है। लेकिन जब यहाँ पे 1970s की बात चल रही है तो बर्डॉक का नाम लेने का मतलब यह है कि ये लोग कैप्टन ब्रिटेन के पापा होंगे, जो कि पेगी कार्टर को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में लैब में उनका एक्सीडेंट हो चुका था। इसी तरह अगर यहाँ पे करंट रियलिटी की बात किया जाए तो कैप्टन ब्रिटेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते होंगे क्योंकि उनको पावर्स मैजिक से मिली थी, और जहाँ पे मैजिक की बात आती है वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का कनेक्शन जरूर बैठेगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले अपडेट की जो कि रिलेटेड है डॉक्टर डूम से। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर डूम भी आ सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, क्योंकि डॉक्टर डूम की मम्मी भी मैजिक जानती थी और वो भी मेफेस्टो के लिए काम करती थी, लेकिन वो मैजिक का यूज भले के लिए करती थी और बाद में मेफेस्टो ने उनको कैद कर लिया था। इसलिए डॉक्टर डूम ने मेफेस्टो के साथ डील की कि अगर वो मेफेस्टो को हरा देंगे तो उसकी मम्मी को आजाद कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं और इसीलिए हमेशा डॉक्टर डूम नए मैजिक को सीखते रहते हैं ताकि वो मेफेस्टो को हरा पाए। तो हो सकता है कुछ समय के लिए यहाँ पे डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज की भी हेल्प कर ले ताकि वो मेफेस्टो को हरा सके, लेकिन दोस्तों ये सब बस कुछ समय के लिए होगा क्योंकि डॉक्टर डूम का नेचर तो ऑलरेडी इवल है, वो कुछ समय बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के भी अगेंस्ट जा सकते हैं। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ कि बाद में जाके डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम के बीच में फाइट हो जाए तो क्या घोस्ट अड्डा डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आया ही है तो क्या मेफेस्टो अलग अलग मल्टीवर्स में रूल करेगा कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स को एक ही मेफेस्टो कंट्रोल करेगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब डोर बम आए थे डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट वन मूवी में, डॉक्टर स्ट्रेंज ने उनको टाइम स्टोन से हरा दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डोर बम फिर से वापस नहीं आ सकते। मान लीजिए डॉक्टर स्ट्रेंज किसी दूसरे मल्टीवर्स में ट्रेवल कर रहे हो और उस यूनिवर्स के डोर बम आके उस पर्टिकुलर अर्थ पर अटैक कर दिए, तब क्या डॉक्टर स्ट्रेंज उस डोर बम को फेस कर पाएंगे कि नहीं फेस कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे उनके पास फिर टाइम स्टोन में नहीं होगा। और यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट आता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते भी कि नहीं करते? वैसे जब से लोकी ने टेसरैक्ट यानी कि स्पेस स्टोन लेके एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल करने की सोची है, तब से ये भी कन्फर्म नहीं होता कि स्पेस स्टोन का कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर अर्थ में अब 6 नहीं बल्कि सिर्फ 5 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। अब ये वही अर्थ है जहाँ पे एंशियंट वन डॉक्टर ब्रूस बैनर को ये समझा रही थी कि अगर एक भी इन्फिनिटी स्टोन इधर से उधर हुआ तो उनकी पूरी रियलिटी चेंज हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर बैनर ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स उसी टाइम फ्रेम में एक्जैक्टली उसी मूवमेंट पर रख दिए थे इस जगह से वो स्टोन्स उठाए गए थे, क्योंकि लोकी का भी कनेक्शन है इस मूवी से, इसलिए इन्फिनिटी स्टोन्स का भी इस मूवी में हो सकता है एक इंपॉर्टेंट रोल हो। अगर पूरे के पूरे इन्फिनिटी स्टोन्स का रोल होना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम टेसरैक्ट का तो रोल होना बेहद जरूरी हो जाएगा। देखना यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इतने सारे लोगों से कैसे डील करते और क्या उन्हें किसी दूसरे मल्टीवर्स के टाइम स्टोन को यूज करने का फिर से मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड। आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। आपके क्या व्यूज पटल
डॉक्टर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने इतनी लंबी वीडियो देख ली है तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ से 1 लाख तो बनता है। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नया है और आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।